ये मेवाड़ की है माटी, इसको माथे पे लगा लो। या साधु संतों की है समाधि, जिस पर फूल भी चढ़ा लो। ये सर जमी है सांगा की, बापा की बपोती, पन्ना पद्मनी प्रताप पूजा की है धरती, और हम सब है मेवाड़ के वासी। तो जय एकलिंग की लगा लो, जय बाबा रामदेव की लगा लो। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नव नियुक्त मावली विधानसभा क्षेत्र के खेमली ब्लॉक के अध्यक्ष भाई मांगीलाल जी मेघवाल साहब, हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व सरपंच परम सम्मानीय शंकरलाल जी चौधरी साहब, पूर्व सरपंच सोनलाल जी, हमारे आज इस कार्यक्रम के आयोजक भाई लेर सिंह जी फेरूलाल जी, हमारे चंदेसरा के पूर्व सरपंच वालू भाई, हमारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई विजय जी, युवा नेता युवा कांग्रेस के मेकस खान जी, कन्यालाल जी पूर्व सरपंच, गणेश लाल जी पूर्व सरपंच, बाबूलाल जी और वजराम जी मानसा, और सामने विराजे हुए गांव के तमाम मोहतबीर बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम, और मांगीलाल जी मेघवाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि ये काफी समय से प्रक्रिया संगठन के ब्लॉक अध्यक्षों की चल रही थी, और अंतोगत्वा पार्टी ने सोच समझकर राहुल गांधी जी ने, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे साहब ने, तरुण कुमार जी ने, लाल सिंह जी झाला साहब ने, गिरिजा जी व्यास ने, और तमाम सभी नेताओं ने सोच समझकर ये चुनावी वर्ष में ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जो कांग्रेस को आपके बीच में मजबूत करे और आपके विश्वास पे खड़ा उतरे। और ये पहला कार्यक्रम स्वागत का जो धूनी माता के वहां पर हमने सबसे पहले इनको ले जाकर धोख दिलवाकर सम्मान किया, और ये दूसरा कार्यक्रम आपके यहाँ बीच में है। या तो ये बरात लेके आए थे उसी दिन आपने ऐसी अगवानी करके इनका स्वागत किया होगा, या फिर वापस आज ये स्वागत हो रहा है। तो ये मेरता गांव जो हमेशा मावली की राजनीति में बड़ा केंद्र बिंदु रहा है, क्योंकि 79 से जब मैं सीमेंट फैक्ट्री में नौकरी करने आया था, मेरी 17-18 साल की उम्र थी, दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी उस समय, और उस समय से मैं मावली से जुड़ा हुआ हूँ। तो मुझे मालूम है कि यहाँ पर चुनाव में और ये मेड़ता के लोगों की जो राजनीतिक जागरूकता और सक्रियता बड़ी जबरदस्त मावली विधानसभा क्षेत्र में दिखाई देती है, और यहाँ से ये शुभारंभ मांगीलाल जी के ससुराल से हो रहा है। तो ससुराल से जब ये आदमी क्या दुल्हन को लेके जाता है शादी करके और अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, इसी तरीके से इनको जो ब्लॉक अध्यक्ष की कुर्सी मिली है, तो एक नई कुर्सी लेकर ये नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं आप सबके दुआओं से, आशीर्वाद से, और मुझे विश्वास है कि ये बहुत कामयाब होंगे, ये और ऊपर तरक्की करेंगे, ब्लॉक अध्यक्ष से ये आगे बढ़ेंगे और ऊंचे पदों पे जाएंगे और मावली का नाम हमेशा आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूँ, पार्टी हो, संगठन हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, ये सभी पद सेवा करने के लिए बनाए गए। आप लोगों की तकलीफ में काम आओ, उनके दुख दर्द में आप खड़े रहो, और दुख दर्द लोगों के कम करने में आप सहायता करो। और ये काम मांगीलाल जी ने एक वार्ड पंच बनकर शुरू किया था, उप सरपंच बन के शुरू किया, फिर इनकी पत्नी को सरपंच बना के ये दायित्व निभाया, और ये हमेशा जब नांदेल में इनके वहां ऑफिस लगा रखा है, 550 लोग रोज इनके पास तकलीफ लेके आते, और मैं भी कई वर्षों से देख रहा हूँ। और मेरा तो सौभाग्य है कि हमने मजदूर संगठन में साथ में काम किया, और मैं तो इनके बदली वर्गर का नेता रहा हूँ, वहीं से मेरा ट्रेड यूनियन करियर शुरू हुआ, एक एजुकेटिव बनकर मैं यहाँ प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा हूँ, तो काफी करीब से इनको देखा है। और इनको बताने में हम लोगों का एक ही मकसद था कि मावली में दो ब्लॉक है, और दो ब्लॉक है तो एक ब्लॉक में अगर जनरल कास्ट का व्यक्ति बनता है तो एक में एसटी एससी को मौका मिलना चाहिए, ताकि एक बैलेंस हो जाए।
क्योंकि एमएलए का चांस तो इनको बनने का मौका मिलेगा नहीं, रिजर्वेशन की सीट नहीं है, तो संगठन का काम करने का मौका